दोस्तों कांतारा मूवी मात्र 16 करोड़ में बनी एक बेहतरीन मूवी है जिसे लोग मास्टरपीस कह रहे हैं। ऐसी जबरदस्त फिल्म तो करोड़ों में भी ना बने। इस मूवी में एक्टिंग, स्टार, डायरेक्टिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट है जो अलग ही फील दे रहा है। तो आज हम इसी मूवी को कवर कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसकी असल कहानी। की शुरुआत होती है 1847 में, जहां हमें बताया जाता है कि दक्षिणी कन्नड़ में एक महाराजा हुआ करते थे और राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था। उनकी बीवी, बच्चे सब उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, मानसिक शांति। दरअसल उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका मन अशांत, विचलित और दुखी रहता था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आती थी। इस परेशानी से निजात पाने के लिए राजा कई मंदिरों में गए, कई साधुओं से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्हें एक पंडित मिलते हैं और वो उन्हें रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि राजा को एक सफर में निकलना होगा और इस दुनिया में ऐसी शक्ति को ढूंढना होगा जिसकी वजह से उन्हें शांति मिल सके। ऐसे में राजा अकेले सफर में निकलते हैं और इस सफर में राजा कई मंदिरों में जाते हैं और कई साधुओं से मिलते हैं, लेकिन उन्हें वह शांति नहीं मिल पाती। फिर राजा सोचते हैं कि मुझे इस दुनिया में शांति नहीं मिल सकती, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने लगते हैं। ऐसे ही भटकते भटकते वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां उन्हें गंगारा की आवाज सुनाई देती है और राजा इस आवाज को सुनकर डरते नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये आवाज प्यार से उन्हें अपने पास बुला रही है। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जहाँ राजा अपने शस्त्र त्याग देते हैं। राजा को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे माँ की ममता, पिता का आशीर्वाद दोनों मिल रहा हो। राजा इस पत्थर को अपने साथ ले जाने की सोच रहा होता है, तभी इलाके में रहने वाले लोग आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं, आपको जो चाहिए आप ले जाइए, लेकिन आप हमारे देव पंजुरली को लेकर नहीं जा सकते। तभी गाँव वालों में से एक में देव पंजुरली खुद आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे तो इन गाँव वालों की रक्षा कौन करेगा, अगर मैं साथ चलूं तो बदले में तुम क्या दोगे। राजा कहते हैं, पंजुली आपको जो चाहिए वो मांगिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। इसके बाद पंजुली चीखते हैं और राजा से कहते हैं, जितनी दूर तक मेरी आवाज गई है उतनी सारी जमीन गांव वालों को देनी होगी, बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और मेरे साथ उग्र गुड़का भी आएंगे। अगर आपने वचन तोड़ा तो शायद मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उग्र गुड़का माफ कभी नहीं करेंगे। राजा वचन देते हैं और अपने साथ देव को लेकर आ जाते हैं। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख शांति लौट आती है। राजा को देव मिलते हैं और गांव वालों को जमीन। फिल्म में आगे देवा का प्रकोप और गांव वालों की मासूमियत दिखाई जाती है। दोस्तों कांतार, जिसका अर्थ होता है घना या फिर रहस्यमय जंगल, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में संसार को कांतार लिखा है। कांतारा एक जंगल और वहां रहने वालों की कहानी है। इस फिल्म को मुख्य किरदार है शिवा, जिसे निभाया है ऋषभ शेट्टी ने। भगवान विष्णु के छठवें अवतार कहे जाने वाले परशुराम की कथा तो आपने भी सुनी होगी। तो क्षत्रिय को इस धरती से नष्ट करने वाले बाद से आगे का मामला ये हुआ कि परशुराम जी ने क्षत्रिय रही धरती ऋषि कश्यप को दान दे दी और भगवान शिव का ध्यान करने शहीद रिया चले गए। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए, कोदली वन में अवतार लेंगे और परशुराम जी वहीं पहुंचकर ध्यान करें। परशुराम ने वहां जाकर देखा धरती तो समंदर में समा चुकी है। उन्होंने समंदर के देवता से कहा जमीन वापस करे, उन्हें ध्यान करना है। समंदर ने उन्हें जमीन देने से इनकार कर दिया। तो अपने क्रोध के लिए जाने वाले परशुराम जी कहां शांत रहने वाले थे, उन्होंने अपना फरसा पूरा चला दिया। कथाओं में कहा जाता है कि जहां तक परशुराम जी का फरसा गया समंदर ने वहां तक जमीन छोड़ दी और इस तरह से इस जगह पर अस्तित्व में आई परशुराम सृष्टि, जिसे तुनुनाडु भी कहा जाता है। तो कांतार की इस कहानी कुनुनाडु जंगल और वहां के रहने वालों की है। इस प्रदेश में 400 से भी ज्यादा देवा है, उनमें सबसे विशेष है पंजुली। ऐसा माना जाता है कि देवा पंजुली वराह का एक रूप है। एक बार काली नाम की वराही पहाड़ों से उतरते हुए गलती से भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच जाती है, जिससे भगवान सूर्यमण्यम नाराज होते हैं और उस वराही को श्राप दे देते हैं कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएंगी। वराही भगवान क्षमा याचना करती है और कहती है कि उनके होने वाले पहले बच्चे को वो भगवान को समर्पित कर देंगी। भगवान सुब्रमण्यम उसे 16 बच्चा होने का वरदान देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वर्षों बाद काली वराही कैलाश पर्वत पर अपने 16 बच्चों को जन्म देती है। कहा जाता कि माँ पार्वती की आवाज सुनकर काली वराही अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। माँ पार्वती को उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले लेती हैं और माँ पार्वती ने इस वराह बच्चे को नाम रखा गुजारा और वो इस बच्चे को बड़े प्यार से पाल रही होती हैं। लेकिन गुजारा एक दिन वहाँ मौजूद सभी फसल को काट देता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं और भगवान क्रोधित होकर इन्हें ही काट देते हैं। गुजारा की आवाज सुनकर माँ पार्वती आती हैं और उसकी दशा देखकर रोने लगती हैं, जिसके बाद भगवान शिव उसे पुनः जीवित करते हैं, लेकिन इस बार सिर वराह का और धड़ इंसान का होता है और उन्हें अपार शक्ति का वरदान भी देते हैं। इनका नाम रखा जाता है पंजुली, जो एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में तलवार धारण किए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए कैलाश से तुलुनाडु आते हैं देवा पंजुली।
पब्लिक को खुश करने के लिए और भूतो कोला नाम का एक स्पेशल डांस किया जाता है जिसमें भूतो का अर्थ है आत्मा और कोला का अर्थ है खेल। ये पूर्ण रूप से एक पूजा अर्चना है और आपको बता दें कोला हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। कोला परफॉर्म करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिस शाम को कोला परफॉर्म किया जाता है उस दिन वो व्यक्ति तेल से सने हुए चेहरे पर घर पर ही तैयार हुए रंगों के द्वारा अपने चेहरे को रंगता है और ऐसी पोशाक धारण करता है जिसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है और कपड़े होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूतो कोला परफॉर्म कर रहे लोगों में कुछ सेकंड के लिए देव पंजुली की आत्मा आ जाती है। उस समय वो लोग भविष्य भी देख सकते हैं जो पूरी तरह से सत्य होती है। सो एट द क्रक्स ये मूवी काफी बढ़िया है जो आपको देखनी चाहिए जिससे हमें अलग अलग कल्चर्स के बारे में भी पता चलेगा। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलेंगे जल्दी ऐसी ऑसम नई मूवीज के साथ। तब तक के लिए टिल देन धन्यवाद।